हेलो गाइस, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे लंच बॉक्स टिफिन बैग। तो उसके लिए मैंने ये क्विट किया हुआ पीस ले लिया है, स्पंज शीट और अस्तर डाल के इसे क्विट किया है। और अभी उसका मेजरमेंट लिया है 7x20 इंच। 7 इंच है वो हमारी लंबाई है और 20 इंच है वो चौड़ाई है। जो 7 इंच है वहाँ से हमें 1 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, 7 इंच में से 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे पूरा लंबा कट लगा देना है इस तरह से। ये देखिए, ये कट हो गया। अभी हम 20 इंच की ज़िपर लेंगे। ये देखिए, ये 20 इंच की ज़िपर है, जिप को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो गया तो दूसरा जो पीस हमने कट किया है उसके ऊपर भी जिप को हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच हो जाने के बाद ये पीस को पूरा उल्टा करके यहाँ पे कर लेनी है टॉप स्टिच। हमें जिप की किनारी के ऊपर सिलाई चलानी है टॉप स्टिच करने के टाइम। और टॉप स्टिच हो जाए बाद में बीच में से इसे फोल्ड करके यहाँ पे कर लेना है सेंटर का मार्क ऊपर और नीचे। वो हो जाए उसके बाद हमें दोनों साइड से एक एक रनर ऐड कर लेना है। दोनों साइड से एक एक रनर ऐड हो गया। अभी दूसरे मेजरमेंट का हमें दूसरा पीस ले लेना है और मेजरमेंट लेना है उसका 9x18 इंच। ये भी सेम स्पंज शीट और अस्तर डाल के मैंने क्विट करके ही रखा है। और अभी उसे 9 इंच है वहाँ से बीच में से फोल्ड करेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे दोनों साइड। 9 इंच है वहाँ से फोल्ड करना है और फिर जिप वाला जो पार्ट है उसे ले लेना है, उसका सेंटर और ये सेंटर दोनों मैच करना है। जिप के सामने वाला जो सेंटर है उसमें और ये दूसरे पीस का सेंटर मैच करके उसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। सिलाई हो जाए बाद में इसे सीधा करके यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेनी है। तो कुछ ये पीस इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। और अभी ये देखिए, यहाँ पे टॉप स्टिच हो गई। ये साइड है उसके सामने वाली साइड, ये साइड जिप के सामने वाली साइड में हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे दोनों साइड 2.5 इंच पे मार्क हो जाए बाद में ये बेल्ट हम यहाँ पे अटैच करेंगे। बेल्ट को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है और मेजरमेंट लिया है 4x12 इंच का पीस लिया था और इसे बीच में से डबल फोल्ड करके मैंने स्टिच किया है। और अभी 2.5 इंच पे जो मार्क किया ना उसके ऊपर इसे रखेंगे और दोनों साइड इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद ये दोनों सेंटर इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। फिर ये देखिए, ये कॉर्नर है ना जो, वहाँ से इस तरह से हमें पकड़ना है और पूरे में स्टिच करके इसे पैक कर लेना है। अगर आपको इस तरह से जमता है तो इस तरह से फटाफट होगा, इस तरह से पूरे में सिलाई करके इसे स्टिच कर लीजिए। नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से दिखाती हूँ आपको। ये तरीका आपको समझ में नहीं आता है तो ये पिन निकाल लीजिए। और ये देखिए, ये कॉर्नर है ना जो एल शेप का कॉर्नर है ना, वहाँ इसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कीजिए। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिए दोनों साइड। ये देखिए, ये दोनों साइड हमारा स्टिच हो गया। बाद में ये सेंटर और ये सेंटर दोनों मैच कर लीजिए। इस तरह से मैच हो जाने के बाद जो यहाँ का कॉर्नर है उसे पकड़िए और यहाँ पे स्टिच लगाते जाइए पूरे में। इधर से लेके दूसरी साइड तक हमें स्टिच करके इसे पैक कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसे स्टिच कर लिया और पैक कर लिया। अभी हम जिप को ओपन करके इसे थोड़ा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी सिलाई जो ऊपर की साइड आती है उसे हमें दबा देनी है। तो इस तरह से जो बेल्ट है उसे साइड में कर लेना है और यहाँ पे हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच चला लेनी है। ये जो सिलाई है वो दब जाए, नहीं तो आपकी जिप जब खोलेंगे और बंद करेंगे ना तभी ये इसमें अटकेगा। अटके नहीं, इसके लिए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच चलानी है। यहाँ पे भी आप चाहे तो इसके ऊपर टॉप स्टिच चला के इसे अच्छी फिनिशिंग दे सकते हैं ताकि सिलाई भी डबल हो जाए और फिनिशिंग भी अच्छी आए। अगर आप इस इधर कवर सिलाई करना चाहते हैं तो कवर सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने ये कवर सिलाई यहाँ पे नहीं की है क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है तो इसमें धागे नहीं निकलते। आपके कोई दूसरा फैब्रिक लिया है तो धागे निकलते हैं तो उसमें ज़रूर इसमें कवर कर दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा लंच बैग बन के तैयार है। पूरी वाइल्ड ओपनिंग के साथ ये बैग बन के रेडी होता है। ये देखिए कितना अच्छा और आसान तरीके से ये बैग बनके रेडी होता है। और इसका फाइनल मेजरमेंट आपको मैं बता दूँ तो ये
चौड़ाई में 8 इंच है, हाइट में 6 इंच है और साइड चौड़ाई इसकी 5 इंच है। इस तरह से ये 5 इंच है। तो काफ़ी सारा टिफ़िन का सामान आप इसमें रख के कैरी कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बैग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा है तो एक लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो ऐसे ही आसान वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।